वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड। आज मैं आपको बताऊंगी खस्सी का सिरा कैसे बनता है, बकरी का सिरा कैसे बनता है, वो बताने जा रही हूँ। तो देखिए, मैंने कुकर ले लिया है, सरसों का तेल डाल दिया और उसके अंदर मैंने जीरा और गोल मिर्च डाली और एक मोटी इलायची भी डाल दिया, तेल के अंदर भून गया। अच्छा जी, इसके बाद ना अब क्या करना है, ये तीन चार लाल हरी मिर्ची है, इसको भी तेल के अंदर डाल दिया है और देखिए डालते ही कलर कितना अच्छा आया हरी मिर्ची का। तो फ्रेंड ये है चार प्याज है, आज मेरा मन नहीं किया इसको पतला पतला काटूँ, तो मैंने क्या किया चॉपर के अंदर ना इसको चॉप कर लिया और इसी के अंदर ना मैंने लहसुन अदरक का भी जो लहसुन अदरक है उसको भी मैंने अच्छे से चॉप कर लिया, आपको नज़र आ रहा होगा। तो जी अब मैं इसको तेल के अंदर ना हल्का सा पहले फ्राई कर लिया और ये है ना सिरा, तो सिरा है ना इसको मैंने अच्छे से धो लिया था और मैं सिरे को भी इसी के अंदर डाल देती हूँ। और जी अब मैं दोनों को अच्छे से फ्राई करूँगी और तब तक करना है जब तक कि इसका कलर ना चेंज हो जाए। फ्रेंड देखिए, फ्रेंड आपको यहाँ तक थोड़ा सा करना पड़ेगा वरना टेस्ट नहीं आएगा। तो जी देखिए, मैंने इसको डाल दिया इसके अंदर और अच्छे से चला दिया और अब मैं इसको क्या करूँगी, दो तीन मिनट के लिए ढक दूँगी। तो ढकने के बाद फ्रेंड इसी के स्टीम के अंदर देखिए पानी भी छूटा और देखिए कलर भी चेंज हो गया और इसके साथ प्याज आपको नज़र आ रहे हैं, प्याज भी एकदम से फ्राई हो गए हैं, यानी कि प्याज की भुनाई हो गई है। और देखिए अब यहाँ पर तेल बिल्कुल छूट गया है फ्रेंड, बिल्कुल छूट गया है देखिए आप। और यहाँ तक आपको ऐसे ही करना है, बीच बीच में चलाना है, दो मिनट ढकना भी है और जल्दबाजी नहीं करनी फ्रेंड, नहीं तो ये टेस्टी नहीं बनेगा। तो मैंने आपको दिखा दिया, इस साथ में सट भी रहा है, बिल्कुल सट रहा है। तो फ्रेंड अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, थोड़े से मसाले डाल देंगे। तो मसाले में ना हाफ से थोड़ा सा कम मैंने डाल दिया हल्दी पाउडर और ये डाल दिया 1/4 मैंने डाल दिया है धनिया पाउडर और इसी के साथ 1/4 मैंने रेड चिल्ली पाउडर डाल दिया। बस फ्रेंड मसालों में मैं अभी इतना ही डालूंगी और मैं इसको अच्छे से चला लेती हूँ। फ्रेंड एक बात का ध्यान रखना है कि इसके अंदर हल्दी भी कम डालनी है और नमक बिल्कुल लाइट सा डालना है, नमक जितना हल्का डालोगे उतना ही खाने के अंदर टेस्ट आएगा, ओरिजिनल टेस्ट निकल के आएगा फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको अच्छे से फिर से एक बार भून लेती हूँ और देखिए तेल आपके सामने छूट गया है। तो फ्रेंड अब यहाँ पे ना मैं क्या करूँगी, यहाँ पे दो टमाटर है तो मैंने उसको ऐसे ही काट लिया है, तो दो टमाटर को इसके अंदर डाल दूँगी। अब आप बोलोगे कि पहले क्यों नहीं डाला, तो पहले इसलिए नहीं डाला, पहले सीरी और प्याज अच्छे से भून लेते। तो अब मैं तीसरी बार फिर इसको भूनने जा रही हूँ इस टमाटर के साथ, जैसे जैसे टमाटर मेल्ट होएंगे ना वैसे वैसे सीरी भी और अच्छे से भून जाएगी। तो फ्रेंड देखिए, मैंने थोड़ा सा डाल दिया पानी क्योंकि ये सट रहा था, तो पानी डालने के बाद अब मैं एक बार फिर से चला लेती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर बाद कैसे टमाटर कितने जल्दी गल जाएंगे और टमाटर का भी तेल छूट जाएगा। तो फ्रेंड देखिए, मैं चला दी हूँ। तो फ्रेंड देखिए, देखते देखते टमाटर भी गल गए हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा ताकि ये जो पानी डाला है ना ये भी अच्छे से सूख जाए। तो जी जिस चीज़ की हम तीन बार भुनाई करेंगे तो उसके अंदर तो टेस्ट लाजमी आएगा ही आएगा। तो फ्रेंड मुझे लग रहा था लहसुन अदरक थोड़ा सा कम था, तो मैंने फिर भी थोड़ा सा और डाल दिया है, वरना आप स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए, नहीं डाला तो कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में मैंने कम ही डाला था, पर कोई नहीं, टेस्ट वैसे भी आ जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हो कि मैंने फिर से कुछ डाला है। तो फ्रेंड इसमें क्या डाला है ना, मैंने थोड़ा सा डाल दिया गर्म मसाला, घर का कूटा हुआ था, बहुत बढ़िया गर्म मसाला है, और वो डाल दिया और साथ में ना गोल मिर्च होता है ना उसका पाउडर डाल दिया है मैंने, ताकि इसके अंदर और भी बढ़िया सा टेस्ट आ जाए। तो जी देखते देखते पानी भी सूख गया है और जी टमाटर भी गल गए हैं। तो ये आप जो देख रहे हो ये हमारा है, ये केवड़ा वाटर है, केवड़ा वाटर के तीन ड्रॉप इसलिए डाल रही हूँ ताकि आप चांदनी चौक में जाते हो और चिकन मटन खाते हो तो कितनी अच्छी खुशबू आती है, हाथों से खुशबू ही नहीं जाती। तो फ्रेंड ये खुशबू जो आती है वो केवड़ा वाटर की आती है, तो इसलिए मैंने उसको भी इसके अंदर ऐड कर लिया है, खासकर जब चिकन मटन बनाओ तो आपको डालना ही डालना है केवड़ा वाटर। तो आपको मैंने पास से करके दिखाया, तेल छूट गया था, भुनाई अच्छी से हो गया, कलर भी आ गया है। तो यहाँ पर अब क्या करना है, आपको जितनी ग्रेवी रखनी है फ्रेंड्स आप अपने उस कम ज़्यादा कर सकते हो। और जी आप इसको अच्छे से फिर से चला के ना अच्छे से अब कर दें कुकर के ढक्कन को बंद। तो जी आप क्या करेंगे, इसके अंदर दिलवा देंगे हम, तीन सीटी दिलवाएंगे फ्रेंड्स, तीन सीटी मैं इसलिए दिलवाती हूँ कि थोड़ा सा गला होगा तो ज़्यादा टेस्टी रहता है। तो जी तीन सीटी दिलाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से बना है। तो फ्रेंड देखिए, मैंने कुकर के ढक्कन को बंद कर दिया है और तीन सीटी दिलवाने के बाद मैं आपको फिर से मैं दिखाती हूँ
तो फ्रेंड इससे पहले कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो फ्रेंड लाइक कर दिया करिए ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों को कितना पसंद आया है। तो देखिए मैंने कुकर के ढक्कन को खोल दिया है तो देखिए आपके सामने बन के रेडी हो गया। क्या कलर आया है, क्या रंगत है, बाप रे। फ्रेंड खाइए बनाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको कोई रेसिपी चाहिए तो वो भी मुझे बताना, मैं आपको अच्छी से अच्छी रेसिपी दूँगी फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स डाल दिया है मैंने प्लेट के अंदर, और डालने के बाद आपको दिखाती हूँ एक बार पास से। और फ्रेंड देखिए बनके तैयार है, और खाइए और मुझे बताना आपको कैसी लगी है। तो फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ फिर मैं एक और वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए आप देख लो सिनेमैटिक शॉर्ट्स। तो मिलते हैं, बाय बाय।